केवल बड़ी बात कह देने से बात नहीं बनती है, बड़ा कुछ करने से बड़ी बात बनती है। देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से, देश महान नहीं बनता है तोप तेग तलवारों से, देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे भाषण नारों से, देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। वो विचार ऊंचे होने चाहिए, इसलिए इतिहास पढ़ना शुरू करिए, अपने इतिहासों को थोड़ा खोजना शुरू करिए। कितने कितने लोगों ने देश के लिए अपने आप को आहूत किया वो खोजिए। पढ़िए राम प्रसाद बिस्मिल को, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखिए पीछे कि हमने कहां कहां कमियां की हैं, खोजिए अपने आप को कि हमारे इससे पीछे कहां कहां गलतियां हुई, वो गलतियां आप मत दोहराइए और वर्तमान ठीक करके अपना भविष्य आगे बढ़ाइए, अपना भविष्य ठीक करिए। भारत का भविष्य वही होगा जो भारत का वर्तमान होगा, इसलिए वर्तमान को ठीक करने का प्रयास करिए। जब मैं देखती हूं लोगों ने अपने इतिहास पढ़ने छोड़ दिए, इतिहास भी पढ़ा तो कौन सा पढ़ा, अकबर महान सिकंदर महान, इतिहास भी तो ऐसे ही पढ़े। अकबर महान पढ़ा लेकिन वो महाराणा प्रताप महान नहीं पढ़े जो अकबर से पूरे जीवन घास की रोटी खाकर लड़ते रहे। महाराणा प्रताप महान है या अकबर बताइए, वो महाराणा प्रताप जो अकबर से लड़ते रहे वो अकबर महान है जो मीना बाजार जैसे अश्लील बाजार लगा करके हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटता था, वो अकबर महान है या वो महाराणा प्रताप महान है जो उन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, मातृभूमि की इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा करके घास तक की रोटियां खाते हैं और जंगल जंगल खाक छानते हैं, फिर भी इतिहासों में पढ़ाया जाता है उन्हीं का इतिहास। तो सही सही इतिहास पढ़िए, इतिहासों की भूलों से कुछ सीखिए और कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। अपने हाथ में बागडोर लीजिए राष्ट्र की, राष्ट्र का निर्णायक कोई नेता नहीं होता, राष्ट्र का निर्णायक राष्ट्र का नागरिक होता है, प्रत्येक नागरिक होता है। इसलिए अपने हाथ में बागडोर लीजिए राष्ट्र की, ये देश मेरा घर है और मेरे घर में क्या होगा इसका निर्णय मुझे ही करना है। ये अपना विश्वास जगाइए, केवल एक छोटे घर तक सीमित मत हुई है कि मैंने जो चार दीवारी में अपना निवास बना लिया वही मेरा घर है। अरे तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलिया वाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पूछी उन मांगों को, भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। न हमको सही इतिहास पढ़ाए गए, न हमको सही सही चीजें दिखाई गई, सब कुछ छुपा लिया गया हमारे से। हमको दिखाया क्या गया, म्यूजियम के अंदर गांधी जी की बकरी की रस्सी दिखाई गई कि इससे गांधी जी की बकरी बना करती थी, वो रस्सी देखिए, लेकिन वो रस्सी नहीं दिखाई जो भगत सिंह ने फांसी का फंदा बनाकर अपने गले में डाली थी। अगर वो रस्सी दिखाई होती तो युवा का स्वाभिमान नहीं जागता क्या, जागता जरूर कि भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे 23 वर्ष की उम्र में, इस देश के लिए कुछ मेरा भी कर्तव्य बनता है। उस बकरी की रस्सी से क्या स्वाभिमान जगेगा, तो हमको क्या नहीं दिखाया गया, स्वाभिमान का कुछ दिखाया नहीं गया, कुछ पढ़ाया नहीं गया, हर तरफ से चारों ओर से अश्लीलता है, फिल्में बन रही है, जो कुछ भी बन रहा है सब में अश्लीलता, गानों में अश्लीलता, देखने में अश्लीलता, माहौल ही वैसा बनाया जा रहा है। हमारी वीरता को, हमारी शौर्यता को, हमारे ओज को, तेज को जगाने के लिए कौन है बताइए, हमारी ही शक्ति से परिचय कराने वाला कौन है। हनुमान जी भी शक्ति भूल गए थे, हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था जामवंत जी को।
आज का ये समय इसलिए रखा है कि आप जाग जाओ और जान जाओ किस भगवा की ताकत क्या है, हिंदुत्व की ताकत क्या है, सनातन की ताकत क्या है, आपके ऋषि मुनियों की ताकत क्या रही है, आप किसकी संतान हो ये जान जाओ। आप गौतम पाणिनि पतंजलि महान ऋषियों की संतान है, आप राम कृष्ण शिव शंभो को मानने वाले हैं, आप बजरंगी की अनुयायी है, बजरंग बली के आप प्रार्थना करने वाले, पूजा करने वाले उपासक है, भगवती माँ दुर्गा के आराधक। और आप ये जान जाइए कि कण कण में यहाँ देवत्व बसता है, इसलिए हम कमजोर नहीं हो सकते। आप शेरों की संतान हो, आप शूरवीर हो। भगवती माता को तो शेरा वाली कहते हैं, लेकिन भारत माता को तो शेरों वाली कहते हैं। भगवती के पास तो एक शेर है, लेकिन भारत माता के पास तो तुम जैसे तमाम शेर है। इसलिए भारत माता को सुशोभित कीजिए, सम्मानित कीजिए। और जो विश्व गुरु की पदवी पर माँ भारती हमारे थी पहले, उस विश्व गुरु की पदवी पर ले जाने का प्रयास कीजिए। पूरे विश्व में डंका बजता था इस भारत का, पूरी दुनिया यहाँ नतमस्तक होती थी। कुछ ऐसा करते हैं फिर से कि ये देश खिल उठे, चमक उठे, इस देश की जय जयकार पूरी दुनिया में हो, इस भगवे की लहर पूरी दुनिया में हो। और भगवा को किसी पार्टी से मत जोड़ना, भगवा को किसी व्यक्ति से मत जोड़ना। भगवा को जोड़ना ही है तो ऋषि मुनियों से जोड़ना, भगवा को जोड़ना ही है तो भारत के स्वाभिमान से जोड़ना, भगवा को जोड़ना ही है तो बजरंग बली के भगवा चोले से जोड़ना। अगर भगवा को जोड़ना ही है तो वन जाते समय राम ने जो भगवा धारण किया था उस भगवे से जोड़ना। अगर भगवा को जोड़ना ही है तो अपनी संस्कृतियों से जोड़ना, ओज से जोड़ना, तेज से जोड़ना, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से मत जोड़ना। भगवा हमारा स्वाभिमान है हम सबका। अरे पार्टियां कल बनती हैं और कल बिखर भी जाती है, लेकिन ये देश था, है और हमेशा रहने वाला है। कोई किसी पार्टी का गीत गा लेता है, कोई किसी के गा लेता है, लेकिन है सब एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिए। इसलिए गीत ही गाने हैं ना तो किसी व्यक्ति किसी पार्टी के नहीं, गीत गाने हैं तो भारत माता के गीत गाइए, गीत गाने हैं तो उन ऋषि मुनियों के गाइए, इस मिट्टी के स्वाभिमान को जगा सको कुछ ऐसे गीत गाइए, गीत गाने हैं तो भगवा में रंग कर गीत गाइए। और ऐसा रंग जो एक बार चढ़ गया तो छूटे ही नहीं।